एपिसोड का टाइटल है स्वॉम ग्रैंडपा कॉलिंग अ स्टॉर्म। एपिसोड के स्टार्टिंग में शिनचैन, नैनी, कजामा, बो, मसाओ आए होते हैं पार्क में खेलने के लिए। फिर नैनी बोलती है चलो हम कुछ खेलते हैं। फिर शिनचैन की नजर जाती है तीन ग्रैंडपास की तरफ। फिर शिनचैन और शिनचैन के फ्रेंड्स उन तीनों ग्रैंडपास को देखने लग जाते हैं कि आखिर ये कौन है, क्योंकि वो सब स्ट्रेंजर्स है शिनचैन के फ्रेंड्स के लिए और शिनचैन के लिए। फिर वो तीनों ग्रैंडपास नीचे आ जाते हैं और एक ग्रैंडपा कोई स्नैक्स खा रहे होते हैं। फिर नैनी पूछती है कि आखिर ये क्या चीज है जो आप खा रहे हो। फिर ग्रैंडपा वो स्नैक्स शिनचैन और शिनचैन के फ्रेंड्स को ऑफर करते हैं खाने के लिए। तो फिर नैनी उस स्नैक को खाती है और उसे वो स्नैक बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है और सब लोग उस स्नैक को खाने लग जाते हैं। फिर नैनी बोलती है कि आखिर ये तीनों कौन है। ये तीनों एकदम शिनचैन, कजामा, बू के जैसे लग रहे हैं। फिर शिनचैन जैसे दिखने वाले ग्रैंडपा एक लेडी के पास जाते हैं और कहते हैं कि दीदी क्या आप मेरे साथ शिमला मिर्च खाएंगी, और वो ग्रैंडपा एकदम शिनचैन की तरह रिएक्ट करने लग जाते हैं। फिर बो जैसे दिखने वाले ग्रैंडपा एक पत्थर निकालते हैं और वो बो को दे देते हैं। फिर शिनचैन, कजामा, बो, मसाओ, नैनी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर शिनचैन जैसे दिखने वाले दादाजी कहते हैं कि ये जो तुम्हें मेरी चोट दिख रही है ये एक स्वॉर्ड से लग गई थी मुझे और मेरा नाम है नोबुनोसुके। फिर कजामा जैसे दिखने वाले ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं ज्यादा ना चिल्लाने वाला ओल्ड मैन हूँ, मेरा नाम है आतेत्सु। फिर वो जैसे दिखने वाले ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरा नाम है फुशीपो। फिर शिनचैन कहता है कि मैं एक्शन कामिन का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। फिर शिनचैन अपनी पैंट उतारता है और दिखाता है कि मैं एक्शन कामिन वाली अंडरवियर पहनी है। फिर शिनचैन जैसे दिखने वाले ग्रैंडपा भी अपनी बेल्ट दिखाते हैं कि मैंने भी एक्शन कामिन वाली बेल्ट पहनी है। फिर उधर कजामा और कजामा के जैसे दिखने वाले ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम ये सब करना बंद करो। फिर नैनी बोलती है कि चलो एक गेम खेलते हैं। गेम की स्टोरी कुछ ऐसी होगी कि हम सब लोग बूढ़े हो चुके हैं तो फिर हमें अपनी लाइफ काटनी है। फिर वो सब लोग बूढ़ा बूढ़ा खेलने लग जाते हैं जिसमें सारे लोग बूढ़े हो चुके हैं और उनकी कमर में दर्द हो रहा है। फिर शिनचैन जैसे दिखने वाले दादाजी कहते हैं कि बूढ़े लोग भी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं और सारे लोग एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। फिर कजामा और नैनी कहते हैं कि हम सब एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, तो नैनी बोलती है कि ये सब करना बंद करो, हमें अपना गेम खेलने दो। फिर शाम हो जाती है और शिनचैन, नैनी, बो, मसाओ, कजामा सारे लोग बूढ़ा बूढ़ा खेलने लग जाते हैं दोबारा से। फिर नैनी उन तीनों ग्रैंडपास के पास आती है और कहती है कि क्या आपको हमारी गेम अच्छी नहीं लग रही, आखिर आप इतने दुखी क्यों है यहाँ पर। फिर कजामा जैसे दिखने वाले ग्रैंडपा कहते हैं कि बच्चों तुम अपना गेम खेलते रहो, हम किसी और बच्चे के साथ खेल लेंगे गेम। और वो तीनों ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं। फिर मसाओ भी बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और शिनचैन और शिनचैन के फ्रेंड्स को ऐसा लगता है कि वो सब हमारी वजह से दुखी हैं। फिर वो तीनों ग्रैंडपास उठ जाते हैं और जाने लग जाते हैं। फिर शिनचैन, नैनी, बो, मसाओ, कजामा दुखी हो जाते हैं। फिर शिनचैन और शिनचैन के फ्रेंड्स उधर से जाने लग जाते हैं और फिर पीछे से मसाओ जैसे दिखने वाले एक ग्रैंडपा आते हैं और फिर मसाओ जैसे दिखने वाले ग्रैंडपा उन तीनों ग्रैंडपास के पास आ जाते हैं और कजामा जैसे दिखने वाले ग्रैंडपा को अपनी वाइफ का कॉल आता है। उनकी वाइफ कहती है कि आखिर तुम कहाँ पर हो, इतना समय हो गया, घर पे आ जाओ। फिर शिनचैन के सारे फ्रेंड्स पार्क से जाने लग जाते हैं पर शिनचैन उधर ही खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे देखना है कि ये चारों ग्रैंडपास आखिर कहाँ पे जाएंगे, पर वो चारों ग्रैंडपास वहाँ से गायब हो जाते हैं।